एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में आपको बोला है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर जीरो होगा तो ये चीज आपको प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है इसके इक्वल होगा। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग को एक आइडेंटिटी के बारे में पता है, वी नो दैट आइडेंटिटी हम लोग के पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी है इसको हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज किया है, एक दो क्वेश्चन पहले, और ये आइडेंटिटी मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता चुका हूं। तो अब इस आइडेंटिटी के बेस पे हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, पुट कर देते हैं। अगर यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिखें और इक्वल टू के बाद इसका वैल्यू हम लोग जीरो पुट करेंगे क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो है, यहां पर जीरो पुट करेंगे, जीरो इंटू दूसरे ब्रैकेट में जो भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब जीरो के साथ किसी भी चीज का मल्टीप्लाई हो चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो आंसर जीरो ही आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, भले ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है का मतलब है कि सबके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसका मतलब इसका पूरा वैल्यू जीरो हो गया। अब क्या होगा, ये जो 3xyz है यहां पर माइनस में, अगर हम लोग इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू यहां माइनस में वहां जाके प्लस 3xyz और जीरो जीरो ही, आप प्लस माइनस लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो। तो ये चीज हमको प्रूव करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, जो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.5 का 13 क्वेश्चन।